दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में हैं और सुर्खियों की वजह है दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी। तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों से जिस चीज की मांग कर रहे थे आखिरकार वो मिल गई है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था, ऐसे में उन्हें इंसुलिन दी गई। बताया गया कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन को खत लिखकर इंसुलिन की मांग की थी। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर दावा किया कि वो रोजाना इंसुलिन की मांग कर रहे हैं और एम्स के चिकित्सकों ने कभी नहीं कहा कि उनकी सेहत को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। केजरीवाल ने अपने पत्र में तिहाड़ प्रशासन के इस बयान का भी विरोध किया कि एम्स के चिकित्सकों ने आश्वासन दिया कि उनका शर्करा स्तर को लेकर कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। केजरीवाल को इंसुलिन उस वक्त दी गई है जब तिहाड़ जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तिहाड़ के बाहर इंसुलिन की खुराक लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तिहाड़ जेल अधिकारियों से केजरीवाल को इंसुलिन उपलब्ध कराने को कहा था। वहीं अब अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने बयान दिया है और कहा कि वो हर दूसरे कैदी की तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं। खाना हमारे यहाँ समय पर दिया जाता है, अदालत आदेश के चलते उन्हें घर से खाना आता है, जिसकी जाँच में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। देखिए, दो बातें, खाना और इंसुलिन। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुँचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमें शुगर से इफेक्टेड हैं, किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 टू 1000 पेशेंट्स एवरी डे। वही तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल से जब केजरीवाल के पत्र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जेल में 20,000 लोग हैं, हर किसी की कुछ समस्या है, हमें उनके निवारण की भी व्यवस्था करनी होगी। हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, साफ सफाई और कानूनी समाधान तक पहुंच आदि पर नजर रखते हैं। हर किसी को कुछ न कुछ समस्याएं होती, कुछ रियल होती, कुछ परसीव्ड होती, बट होती, तो उनको उनका रिड्रेसल का भी हम लोगों को इंतजाम करना पड़ता है। तो पीपल डू राइट, इनमेट्स अमूमन लिखते हैं, उनके अभिभावक भी हम लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, जिसके आधार पर उनका निवारण भी होता है। एंड लेट मी टेल यू, हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो ये देखते हैं कि क्या जो इनमें जुडिशियल कस्टडी है, इसलिए जरूरी कि क्या सबको हेल्थ की वो सब सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, क्या मेडिसिन है जो होनी चाहिए, क्या उनके जहाँ पे वो सोते हैं वो साफ है, क्या जो बाथरूम्स का वो है वो साफ है, क्या डू दे हैव एक्सेस टू लीगल रिड्रेसल। तो ये उनका जैसे नल के उसमें पानी आए, दिस इज ये हर जेल में विजिटिंग जज अपॉइंट होते हैं जो देखते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पे करेक्शंस भी होते हैं और वे इनकी ग्रीवेंसेस भी सुनते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं। उनका शुगर लेवल 300 तक पहुंच गया था, जिसके बाद उन्हें पहली बार जेल में इंसुलिन दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे थे। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें फिर 23 अप्रैल तक की हिरासत में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।